आप क्या चाहते हैं, एक गाड़ी, एक बड़ी गाड़ी या एक बहुत बड़ी गाड़ी? तो मैं आपको बता दूं कि वॉरेन बफेट, जो इस दुनिया के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, वो सेकेंड हैंड कारों में घूमते हैं ताकि वो रीजनेबल रहें। अच्छा, आप और क्या चाहते हैं? बढ़िया कपड़े, बहुत बढ़िया कपड़े या शायद इससे भी अच्छे? तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फेसबुक कंपनी के मालिक 38 वर्ष के मार्क जुगरबर्ग हर दिन एक ही कलर और डिजाइन के कपड़े पहनते हैं ताकि बार बार चॉइस करने में टाइम खर्च ना हो। एक बात और, क्या आप अच्छा शारीरिक सौष्ठव चाहते हैं? ऐसा, इससे भी अच्छा या शायद और अच्छा? तो एक बार मिस्टर वर्ल्ड रहे और कई हॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके आर्नोल्ड के 70 साल के बाद की भी फोटो देख लीजिए, जब गठीला शरीर अपनी ताकत खो देता है। शायद आप चाहते होंगे कि बहुत सारे लोग आपको पसंद करें, सैकड़ों, हजारों या शायद लाखों। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि परवीन बाबी और राजेश खन्ना जैसे लाखों लोगों के चहेते सुपरस्टार अपने जीवन के अंतिम समय में बिल्कुल अकेले थे। कुछ और बात करते हैं, आप बहुत बड़ा घर चाहते हैं, इतना बड़ा, इससे भी बड़ा, शायद महल जैसा। तो आप जरूर जानते होंगे कि भगवान बुद्ध अपना महल और सारा ऐसो आराम छोड़कर भिक्षुक हो गए और फिर वापस महल कभी नहीं लौटे। छोटे बड़े या बहुत बड़े में कभी कभी कोई फर्क नजर नहीं आता। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता हुआ आदमी और ईश्वर के दर्शन करके उतरता हुआ आदमी कई बार एक ही पायदान पर होते हैं, अंतर करना मुश्किल है। फिर जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे लोग उसे पा चुके हैं और कोई चमत्कार नहीं घटा, उन्हें कोई पंख नहीं लग गए, ना ही आसमान से सितारों की बारिश हुई। सब कुछ वैसा ही है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल नॉर्मल। फिर वो क्या चीज़ है जो हमें विशेष बनाती है? और जब इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है तो इतनी भागदौड़ किस बात की? आखिर हम सबको किस चीज़ की तलाश है? वास्तव में हमारी चेतना, जो उस सर्वशक्तिमान का अंश है, हमें बार बार कुछ करने को उकसाती है। यह हमें बहुत बड़ा या अनंत बना देना चाहती है। यह अपने ही विराट स्वरूप के दर्शन करना चाहती है। जीवन का उद्देश्य केवल इस बात का एहसास है कि सब कुछ हासिल किया जा सकता है, और जब एक बार ये अनुभव हो जाए तो बड़े छोटे का सारा भेद समाप्त हो जाता है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम राजा हैं या भिखारी।